आपका हर अमल इबादत बन जाता। फिर हुकूक में से आगे इरशाद फरमाया इमाम इब्ने अबी दुनिया ने किताब उल इख्वान में इरशाद फरमाया, रिवायत की हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु से आका अलैहिस्सलाम की रिवायत के जहां अल्लाह के लिए मोहब्बत और दोस्ती हो, जब मिलो खास 100 बार मिले एक दिन में मुसाफा करें, 100 बार भी मिले तो मुसाफा करें। हम मुसाफा करने में भी बखील हैं, और हमारा आलम यह है कि कोई 2 हाथ उठाता है तो हम 1 हाथ उठा देते हैं, ऐसे जिससे दिल अच्छा नहीं 1 हाथ उठा देते हैं, और किसी के लिए पूरा हाथ भी नहीं। मुसाफा 2 हाथों के बगैर नहीं होता, ये इस्लाम का मुसाफा है। हम 1 हाथ करते हैं, हम मुसाफा की तजलील करते हैं, तनकीस करते हैं, हुजूर की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं, हत्ता कि आलम यह है कि हाथ मिलाते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, और कई तो सिर्फ उंगलियों का जो आखिरी 1 इंच है बस सिर्फ वो अता फरमाते हैं, उंगलियों के जो आखिरी पहले पोटे हैं किनारे 1 इंच का उतना अता करते हैं टच करने के लिए, उससे ज़्यादा भी उंगलियां टच नहीं करने देते। आप देखिए हम कितने कुफ्र सजा के अपने दिलों में बैठे हैं, और निफाक, कौन सी इबादतें और कौन सी हमारी दुआएं और कौन सी रियाजात और कौन सी तस्बीहात। इन तस्बीहात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या करना है, वो मोहताज है। जब इन तस्बीहात का असर आपकी और हमारी सीरतों में पैदा ना हो, हमारे अखलाक में पैदा ना हो, हमारे अंदर आजजी इनकिसारी तवाज़ो मोहब्बत पैदा ना हो, आदाब पैदा ना हो, क्या फायदा इन तस्बीहात और इबादात का। इस रूह को समझने की कोशिश करें, 100 बार भी मिले तो मुसाफा करें। सहाबा कराम कहते हैं क्या या रसूलल्लाह ये दोनों हाथों से बार बार मुसाफा करना अजमियों का तरीका नहीं है? किसी ने पूछा सहाबा में से कि अजमी लोग ऐसा करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, काला नहनु हक्कु बिल मुसाफहत मिनहुम, हम उनसे ज्यादा हकदार हैं कि मुसाफा किया करें। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी दो भाई आपस में मिलकर मुसाफा करते हैं, अल्लाह पाक हर मुसाफे पर उन दोनों के गुनाह झाड़ देता है, हर मुसाफा गुनाहों का कफारा बन जाता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसनद में रिवायत किया हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब दो भाई आपस में मुसाफा करते हैं और मुसाफा करके मोहब्बत के साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए सच्चे दिल की चाहत के साथ मुसाफा करके वो जुदा नहीं होते कि अल्लाह पाक उससे पहले उनकी मगफरत फरमा देता है। अब मगफरत से मुराद कितने गुनाहों को बख्श देता है, ये अल्लाह का अम्र है, उसका फैसला है, मगर हर मुसाफा पर गुनाहों की बख्शिश होती है। और सहाबा कराम का तरीक था, वो फरमाते और ताबेईन का अतबा और ताबेईन का सब जब मिलते तो मुसाफा करते, और वो कहते हैं कि शाबी रिवायत करते हैं इमाम शाबी काना असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ल तक तसाफ़हु, जब सहाबा कराम आपस में मिलते वो बहम मुसाफा करते थे। और हज़रत फुज़ैल इब्न इयाज रिवायत करते हैं कि इमाम हसन बसरी से पूछा गया कि मुसाफा की बरकत क्या है, फरमाया अलमुसाफ़हा तो तज़ीदु फ़िल मुवद्दा, मुसाफा बहमी मोहब्बत और मुवद्दत में इजाफा करता है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम का तरीक था, न सिर्फ मुसाफा बल्कि मुआनका भी फरमाते थे, गले मिलते थे तो अल्लाह के लिए बनाए गए दोस्तों भाइयों और दोस्तों के लिए मुआनका करना भी, मुआनकतुल इख्वान, फिर यह सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला, जब हज़रत जाफर तशरीफ़ लाए वापस आए तो आका और सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम से मिले तो आका अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के मुआनका किया हज़रत जाफर से। हदीस में है जिसे इमाम अबू दाऊद ने ही रिवायत किया सुनन में बाबुल मुआनका के अंदर, फरमाते हैं अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुझे आका अलैहिस्सलाम ने बुलवा भेजा जब आपकी मरज़ुल वफ़ात थी, आखिरी अय्याम थे जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, उन दिनों में जब बिस्तर अलालत पे थे, बुलवा भेजा, मैं आकर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुआ, फवजत तो हूँ नाइमा, आप लेटे हुए थे, मैंने समझा नींद है, जब आपके करीब हुआ तो आप जाग रहे थे, और फरमाया फराफा यदहु फल तमाजा नी, आकर इस्लाम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे करीब करके बिस्तर पर लेटे मुझसे मुआनका किया, बिस्तर पर लेटे हुए मुआनका किया। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ سنت ہے ساری امتوں اور انبیاء کی معانقہ کرنا، اور اول من آنا کا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلا معانقہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا.